जेड़ी बीजेपी कदे कहिंदे सी कि असी कांग्रेस मुक्त भारत पैदा करांगे, मैनू लगदा वाहिगुरु दी रहमत होई है तां आउण वाले समें दे विच इह बीजेपी मुक्त भारत बन जाणा है। एक मीटिंग दे विच पीयूष गोयल ने बड़ी वड्डी थापी मारी सी, कहिंदा जेकर तुहाडे अंदोलन दा असर हुंदा तां असी बिहार दी चोण क्यों जितदे। असीं दावे नाल गल करदे हां कि आउण वालियां इलैक्शनां जिहड़ियां होर स्टेटां दे विच जिवें उत्तराखंड यूपी च होणियां, इह जोर ला ले जिन्ना मर्जी अजे तो कहिंदे आ ललकार के, इह मोर्चा कर ला लम्मा जिन्ना तेरा जी करदा है, और आह जिहड़े तेरियां दोनों स्टेटां है अगर इत्थे जमानतां जब्त ना होईयां ते इस मोर्चे नूं मोर्चा ना मन्नियो। ममता बैनर्जी हारदी है ते पार्टी जितदी है, एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर लोकां दे अंदर ममता बैनर्जी दे प्रति मोह हुंदा प्यार हुंदा ते ममता बैनर्जी कदे हारदी ना। तीसरी बार सरकार बनी है ममता बैनर्जी दी, तो मेरा ख्याल है पहला कदे किसी ने अपां पंजाब दे विचों जां हरियाणे चों किसी ने ये खुशी नहीं मनाई होनी जिनी ऐतकी इस मोर्चे दे विच इस खुशी नूं लोकां ने खुशी दा इजहार कीता है। तो इहदा एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तरह मेरे तो पहला बोलण वाले वीर बह के गए ने कि लगदा है कि असी इत्थे ठंडे जे बैठे हैं। मेरा ख्याल है पहला भी बहुत बारी आपां स्टेज तों इह गल कही है कि देखो तुहाडा इह जिहड़ा मोर्चा है जिथे जिथों मोर्चा शुरू होया हुंदा है उस थां तों उह जड़ तों असर मिलदा रहे तां उह जिहड़ा दरख्त लग्गिया उह अगे दी अगे अगे दी अगे विकास करदा जांदा है। और इसे तरह ये मोर्चा पंजाब तो शुरू होया, दिल्ली दियां सरहदां ते आया, इत्थे आके लगातार अपना बैठना मोर्चे नूं पूरे देश दे विच फैलाउण दा बहुत बड़ा काज कर रहा है। सो वह जिहड़ा काज हो रहा है उहदा कल रिजल्ट तुसीं सारिआं ने भली भात मेरा ख्याल आ वेख लिया। जिहड़ी बीजेपी कदे कहिंदे सी कि असी कांग्रेस मुक्त भारत पैदा करांगे, मैनू लगदा वाहिगुरु दी रहमत होई है ये हौली हौली जे इसे तरह इस मोर्चे नूं अगर होर लंबा आपदियां सियासतां आपदियां सियासी गिनतियां मिनतियां दे तहत अगर बीजेपी ने होर लंबा खिंचण दी कोशिश कीती तां आउण वाले समें दे विच इह बीजेपी मुक्त भारत बन जाणा है, क्योंकि समा आ रहा है। देख रहे हैं लोग जिहड़ा कदे कहिंदे सी इह लीडर कि तां जी कल्ले पंजाब दा है, कल्ला हरियाणा है जां थोड़े जे लोग यूपी दे ने, पूरे देश दे विच इहदा कोई असर नहीं। एक मीटिंग दे विच पीयूष गोयल ने बड़ी वड्डी थापी मारी सी, कहिंदा जेकर तुहाडे अंदोलन दा असर हुंदा तां असी बिहार दी चोण क्यों जितदे। तां दस देना चाहुंदे आ कि गोयल साहब उस वेले साडी इह सोच सी कि असी नॉन पोलिटिकल रखणा अंदोलन नूं, किते कोई इहो जी गल साडे ते ना आ डिगे कि जी पॉलिटिक्स करदे ने, तू सानू मजबूर कीता है, तेरी सरकार ने सानू मजबूर कीता है कि तेरे खिलाफ आवाज़ उठाउणी पई, और वो गल सिद्ध करदी है कि ये अंदोलन इस अंदोलन की गूंज गई है बंगाल दे विच। इस गल तो पता लगता है कि ममता बैनर्जी हारदी है, ममता बैनर्जी हारदी है तो पार्टी जितदी है, एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर लोकां दे अंदर ममता बैनर्जी दे प्रति मोह हुंदा प्यार हुंदा तो ममता बैनर्जी कदे हारदी ना। इस करके उत्थे
तुहाडे इस अंदोलन की आवाज ने, इथों दे नारिया ने, इथों दी धमक ने पछमी बंगाल कला नहीं बाकी भी जड़िया स्टेटा सी उन्हां स्टेटा दे विच झंडे गड्डे ने। आ भावें असाम दे विचों ये सीटा लै गए पर जेकर वोट शेयर वेखिए परसेंटेज वेखिए ता बीजेपी दे नालों कांग्रेस दी वोट शेयर ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है उत्थे भी। सो इस करके गिनतियां मिनतियां गिणगे। ये देखियो इस अंदोलन की जिहड़ी आपां गल करदे आ, मैं गल ये कह रहा सी दोस्तों कि सानू लग रहा भी असी टिके बैठे आ, कम नहीं होर कुछ करते नहीं, क्यों नहीं गांह बढ़ रहे। हुण समझ आ रही है ना कि हौली हौली देश किस तरह बीजेपी मुक्त हो रहा है। मैं पहला भी गल कही सी कि दोस्तों जिस तरह पानी दे उत्ते, पानी दी सतह दे उत्ते तेल दी बूंद एक सिट दिए, वह सतह चाहे किन्नी भी लंबी चौड़ी क्यों ना होवे पानी दे उपर अपना तेल एहसास करवाउंदा है कि इत्थे तेल दी बूंद आई है। सो इस करके पूरे भारत के अंदर साडा यह अंदोलन अपना एहसास करवा रहा है बीजेपी नूं। बीजेपी का ग्राफ दिनों दिन थले जा रहा है और यह जिहड़ा ग्राफ थले जा रहा है यदा अज सबूत सारयां दे सामने मिल चुका है, सारयां दे सामने आ चुका है। और इस तरह आने वाले समय के बच्चे असी अज फिर बीजेपी नूं चेतावनी दिने अज की स्टेज तो कि अगर बीजेपी सोचती है कि अंदोलन होर लंबा खिंच दिए, शायद इन्निया सारिया जथेबंदियां कट्ठिया हुई आपस में लड़ झगड़ के खिलर जाणगियां। ये बिल्कुल तेरी सोच बीजेपी वालियो, ये भारत सरकार दे जिहड़े आका बैठे ने उन्हां दी सोच बिल्कुल गलत है और गलत साबित होएगी। ये जथेबंदियां एकजुट ने साडी किसी इशू दे उत्ते, किसी एजेंडे दे उत्ते असी सही फैसला लेना है। उहदे ते किसी दे विचार कोई हो सकते ने, किसी दे कोई हो सकते ने, उहदे ते अंदर बहुत तिखी बहस हो सकती है। इहदा मतलब यह नहीं कि जथेबंदियां लड़ रही हैं, इहदा मतलब यह हुंदा है कि इस तिखी बहस दे विच्चों वधिया फैसला लैण दी कोशिश कर रहे हैं असी, ताकि किसी तरह का भी नुकसान ना होवे, मोर्चे नूं जित वल लैके जाइए। वह तिखियां बहसां इसलिए हुंदियां। सो इहदा मतलब अर्थ यह ना कढे बीजेपी कि शायद असी लड़ रहे हैं, वह असी मोर्चे नूं सुचारू ढंग दे नाल चलाउण दा एक रस्ता लभदे हुंदे आ। और बीजेपी जरूर यह सोच ले कि अपनी इस चाल के तहत अगर इस मोर्चे नूं होर लंबा खिंचेगी तो असी दावे नाल गल करदे आ कि आने वाली इलैक्शन जिहड़ियां होर स्टेटां दे विच जिवें उत्तराखंड यूपी च होणियां, बीजेपी नूं पंजाब दे विच तां सोचण दी कोई लोड़ नहीं कि पंजाब च इन्हां नूं कुछ मिलेगा। आ दो स्टेटां की मैं गल तां कर रहा हाँ। यह जोर ला ले जिन्ना मर्जी अजे तो कहने ललकार के यह मोर्चा कर ला लम्मा जिन्ना तेरा जी करता है, और आ जिहड़े तेरिया दोनों स्टेटा है अगर इत्थे जमानत जब्त ना हुई तो इस मोर्चे नूं मोर्चा ना मन्नियो। एक ऐस लोकां दे अंदर दिनों दिन ये जिहड़ा इस मोर्चे दे विच जिहड़ी तपस्या हो रही है, इस मोर्चे दे विच जिहड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सच्ची लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई और उन्हां खिलाफ उन्हां लोकां दे खिलाफ जिहड़े कहिंदे सीगे कि कानूनां दे विच काला की है सानू दसण, अज दसता ना बंगाल वाले ने कानून च काला की है, ये है कानून च काला। आने वाले समय के जिहड़ियां तुहानू टेबल ते दस के आए हैं कि कानून चाह काला है, वह तुसी नहीं सुनदा, तुहाडी आवाज तुहाडे कन्न उस तरीके की कही गल नूं नहीं सुनदे, तां फिर इस तरीके दे नाल सुनावांगे जिहड़ी अज चार स्टेटां दे विच सुनाई गई है। ये आवाज़ सुनने लई तैयार रहे सरकार। सो मेरे दोस्तों अगली गल जिहड़ी भी कल दा असी बहुत कई बारी जदों साडियां मीटिंगां हुंदियां है असी विचार करदे हुंने आ कि चोणां दा इलैक्शन दीआं चोणां दा जदों रिजल्ट आउणा है, रिजल्ट तो बाद सरकार
सुप्रीम कोर्ट नू साडे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। रात एक सुनवाई हुई है करोना ते, क्लीयर हो गया जिहड़ी उह गल सी सोच रहे सी। पर असी यह कहना चाहते हैं उहदे च आदेश दिते गए ने सरकारां नू कि तुसी लॉकडाउन दे उत्ते मुड़ विचार करो, लोगों नू किवें खाना खिलाउणा उहदे ते कंट्रोल करो, इहनू तुसी काबू पाओ, कोरोना दे काबू पाओ, इह जिहियां गल्लां होईयां ने। पर मैं यह कहना चाहुंदा है कि साडे सत्कारयोग मानयोग सुप्रीम कोर्ट नू कि इह क्यों नहीं कहा जा रहा कि आ जिहड़े किसान बैठे ने इह जिन्हां दे वन्नू इह कोरोना दा बहाना बना के इत्थों पट्टण दी उखेड़न दी कोशिश चाल चली जा रही है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इहदे विच एक्शन लैंदी, क्यों नहीं सरकार नू कहिंदी कि जो लोग नहीं चाहते तुहाडे इन्हां कानूनां नू सरकार इन्हां कानूनां नू तुरंत वापस लवे। एक दो पल की कहानी है, एक इन्ना ऑर्डर करन दे नाल किसानां दा अंदोलन असी समाप्त हो जाणा है। इस गल ते क्यों नहीं ध्यान दिता जा रहा। पर मेरे दोस्तों एक गल होर विचार वाली है, अगर करोना एडी इंपोर्टेंट एडी खतरनाक बीमारी होंदी तो मेरा ख्याल है 2 साल हो गए करोना के रौले पैंदे नू। सरकार ने करोना ते अज तक कीता की है? कोई नवे होस्पिटलों का अरेंजमेंट नहीं होया, कोई नवे बैड नहीं तैयार होए, और स्टार्टिंग दे विच बीमारी हजे शुरू हो रही है। और इधरले पासों सुनेहे मिलन लग पे जी साडे कोले तां ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ऑक्सीजन की कमी आई नहीं मित्रों, ऑक्सीजन की कमी बना के जान बुझ के साड़ी सरकार जिम्मेवार उन्होंने लोगों की मौत दी, जेड़े ऑक्सीजन की कमी करके मरे है। यह सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी सी कि अगर सरकार सचियों मानती सी कि करोना है, पर मैं तो इधर भी हटके गल ये कहूँगा कि सरकार बिल्कुल नहीं मानती सी करोना। सरकार नू पता सी कि करोना दे नाल केवल 1.5% लोगों की मौत हो सकती है, बाकी सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। इन्होंने जिहड़ा एडा वड्डा भीड़ भड़का दे हऊआ खड़ा होया है, आ जिहड़ी वैक्सीन लग रही है ये असी सारे जानते हैं कि जिहड़ी वैक्सीन लगती हुंदी है किसी भी बीमारी की वैक्सीन लगे वो आदमी दे उस पशु दे शरीर दे विच जिहड़ी बीमारी नू रोकण वास्ते वैक्सीन लाई जाती है ना, उस बीमारी दे ही कण छड्डे जाते हैं ताकि शरीर उहदे नाल लड़न की समर्था च आ जाए। तो इहदा मतलब टोटल लोगों के शरीर के उस इंजैक्शन के जरिए उस वैक्सीन के जरिए वो करोना छड्डिया जा रहा है। और वह सुभाविक है जो करोना छड्डणगे व्यक्तियों को बुखार होएगा, तो जो बुखार होएगा डर पहले ही पैदा किया होया वो होस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे, और होस्पिटलों के भीड़ होएगी होएगी, और उन्होंने उस गल नू वड्डी पद्धर के उत्ते लोगों के प्रचार के कि करोना आ गया करोना आ गया, बड़ी होस्पिटलों थां नहीं मिल रही, और एक हऊआ खड़ा करके एक डर खड़ा करके ये सरकार साडे अंदोलन नू पटना चाहती है। इस तो सिवा असी समझते कुछ नहीं, बीमारी है इहदे तो भी डिनाई नहीं किया जाता, लेकिन ओडी खतरनाक नहीं जिड्डी खतरनाक पेश की जा रही है। जिन्ने लोग मरे ने ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन की घाट करके मरे ने, और जे ऑक्सीजन का ही प्रबंध नहीं साडी सरकार तो किया गया तो इहदा मतलब की निकलता है कि सरकार ने ज्यादा जान बुझ के लोग मारे है, क्योंकि जिन्ने डेथ केस वधणगे उन्ना लोगों के हऊआ पैदा किया जाएगा, उन्ना डर का माहौल पैदा किया जाएगा, और वह लोगों की मौत नू फिर बाद दे विच इस मोर्चे नू उखेड़न दे लई इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसलिए मेरी हथ बन के बेनती है जिन्हें आप इत्थे बैठे हैं पिछले दिनों तो भी अपील की है, बहुत धन्यवाद है तुहाडा सारयां दा, तुसी इत्थे गिनती वधाई है, मोर्चे दे विच साडी आमद वधी है। पर मैं फिर दोबारा बेनती करदा कि सरकार किसी भी तरह का कोई षडयंत्र साडे खिलाफ रच ना सके, इसलिए समुचे पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार नू साडी अपील है कि बद चढ़ के इस मोर्चे दे विच शमूलियत करो, हर घर चो एक एक व्यक्ति जरूर इस मोर्चे दे विच पहुंचे ताकि इस मोर्चे तुहाडी वधी गिनती सरकार नू पिछे धक्कण दे विच सफल होवे।
ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 1.5% ਮਰਾਂਗੇ, 2% ਮਰਾਂਗੇ, 3% ਮਰਾਂਗੇ, 5% ਮਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ 100 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 2, 4, 5, 10 ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਕੀ 90, 95 ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।